हेलो मैम, संगीता मैम, ये हैं संगीता मैम और इनका ये खुद ही बताना चाहेंगी कि ये क्या करती हैं और कैसे इन्हें एटोमी के बारे में पता चला और एटोमी का रिजल्ट क्या रहा है इनके लिए। हेलो, मैं संगीता कापसी, इंटरनेशनल कथक गुरु और परफॉर्मर हूँ। बचपन से ही मुझे ना डांसिंग का बहुत शौक था और स्पेशली कथक, और मैं उसके लिए क्लास वगैरह भी जाती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे पैर की हड्डियां और नस इफेक्ट हुई, तो डॉक्टर ने कहा, काफ़ी लॉन्ग समय तक मेरा प्लास्टर बंधा था और डॉक्टर ने कहा कि आप चल सकते हैं पर आपको खेलना, डांस करना और साइकिल नहीं चलाना है क्योंकि उससे आपको काफ़ी तकलीफ होगी। पर मैं हिम्मत नहीं हारी और मैं बहुत क्रेजी थी अपने डांस के प्रति, और मैंने 41 की एज में अपना डांसिंग स्टार्ट किया कथक। और जैसा कि जो क्लासिकल डांस होता है उसके फुटवर्क बहुत तगड़े होते हैं, उनमें पैर का तगड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो रखता है। तो मुझे क्या होता था, जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि तुम्हारे पैर अच्छे नहीं हैं। अब मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मुझे नी में बहुत तकलीफ होती थी, लिगामेंट्स का प्रॉब्लम आता था, कई बार पंजे सुन्न हो जाते थे और हिप्स के पास भी जो जोड़ होते थे वो भी एकदम कुछ समय के बाद एकदम शिथिल पड़ने लगते थे, और मैं चाहकर भी अपने वो फुटवर्क नहीं कर पाती थी। पर मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं अपना प्रयास अपना जारी रखी, मेडिसिन खाई, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, दुनियादारी, जो भी लोगों ने बताया मैंने वो सारी चीज़ किया क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। फिर अचानक से मुझे हिमोहिम के बारे में पता चला, तो मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। और मैंने एक महीने, और इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बिना बैंड के कभी भी प्रोग्राम नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे नी में बहुत प्रॉब्लम आता था। और अभी एक महीना पहले मुझे पता चला इस मेडिसिन के बारे में, तो मैंने कहा कि चलो इसे ट्राई किया जाए। और मुझे सिर्फ अभी 1 मंथ हुआ है और इस 1 मंथ में इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मुझे मिला है कि मैंने बिना बैंड के और इतनी ठंड में बनारस में 80 घाट पे ओपन में डांस किया है, जो मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि मैं कैसे बिना बैंड के डांस कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मुझे आपने इसके साथ आपने एक ओमेगा 3 ले लिया हुआ है। और मुझे एक प्रॉब्लम और भी कि मेरे हार्ट में सूजन आ रहा था और इसी बीच मुझे कोरोना भी हो गया था जिसके कारण मेरी स्वेलिंग बढ़ रही थी, तो मैं काफ़ी बीपी वगैरह की दवाई और हार्ट की भी दवाई लेती थी। उसके बाद फिर मैंने इस प्रोडक्ट का ओमेगा 3 लिया, तो जो मैं एक सीढ़ी चढ़ने के बाद जो हाँफती थी और डांस करने के बाद जो हाँफती थी, आज मैं 3 घंटा रियाज करती हूँ लेकिन मैं हाँफती नहीं हूँ। तो थैंक यू हिमोहिम एटोमी, जो आपने मुझे इतनी एनर्जी और पावरफुल मेडिसिन दी है कि एक महीने में ये रिजल्ट है, तो पता नहीं अगर मैं इसे 2-3 महीने लूंगी तो कितना बढ़िया असर करेगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल से इस हिमोहिम और एटोमी के प्रोडक्ट लीजिए, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। थैंक यू संगीता मैम। जैसे कि आपने देखा कि संगीता मैम ने अपना प्रोडक्ट के प्रति जो भी उनकी राय थी वो बताया है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज गाइज इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कीजिए। हमारा एटोमी ट्रेनिंग सेंटर, जो एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है, वो हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है क्योंकि यह इंडिया में ही नहीं ग्लोबली वर्क कर रहा है। तो प्लीज थैंक यू सो मच एटोमी और थैंक यू सो मच संगीता मैम। एक चीज बताना चाहूंगी, ये मेडिसिन का इतना बढ़िया रूल्स है ना कि देखिए, इसमें एक ना व्हाइट टेबलेट है और एक डार्क टेबलेट है। मतलब मैंने जब सर से पूछा तो उन्होंने कहा व्हाइट टेबलेट मतलब डे में लेना है और डार्क टेबलेट मतलब नाइट में। मतलब आप सोचो भूलेंगे भी नहीं कि हमें ये टेबलेट कब कब लेनी है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने पैकिंग किया है। थैंक यू सो मच एटोमी एंड हिमोइन प्रोडक्ट। थैंक यू।